ओके सो ट्रांजिट चार्ट कैसे रीड करते हैं, ये चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, मैं और डिटेल में आपको बता दूंगा। एंड ट्रांजिट मैं ऐसे देखता हूँ कि सारे प्लैनेट्स का एक साथ देख के उसके हिसाब से मेन पर्टिकुलर ट्रांजिट्स पे नहीं ज़्यादा फोकस करता। बट राहु का जो अब ट्रांजिट आएगा 30 अक्टूबर को, वो क्या आपको रिजल्ट्स देगा, है ना, क्योंकि राहु आपका पाइसिस में ट्रांजिट करेगा, केतु आपका वर्गो में जाएगा, एंड इट्स लाइक के वीनस वहाँ पे एक्सल्टेड होता है एंड मरकरी वहाँ पे डेबिलिटेड होता है। तो सिंपली इसका एक मीनिंग है कि सबके लिए मरकरी डाउन चला गया तो लॉजिक जो है वो आउट ऑफ द विंडो चला जाएगा सबके लिए, एंड इट कैन बी अ पीरियड ऑफ डार्कनेस टू फॉर सम, एंड लोग ज़्यादा इसमें प्लेजर को सीख करेंगे, रिलैक्सेशन को सीख करेंगे एंड एडिक्शन को सीख करेंगे। ठीक है, राहु वीनस एग्जल्टेड है पाइसिस के साइन में, राहु एडिक्शन हो गया आपका, एंड राहु जो है वो शुक्राचार्य के स्टूडेंट थे। अब अगर आप एरीज एसेंडेंट हो तो 30 अक्टूबर 2023 के बाद 18 महीने से आपका जो राहु है वो आपका 12th हाउस में चला जाएगा एरीज एसेंडेंट वालों के लिए 18 महीने के लिए। केतु आपका 6th हाउस में आ जाएगा एंड वो आपको क्या रिजल्ट्स शो करेगा एरीज वालों के लिए, इट्स लाइक के एम्बिशियस गोल्स एंड स्पिरिचुअल पाथ को आप सीख करोगे एंड यू विल स्टार्ट लर्निंग अबाउट हीलिंग, क्योंकि राहु 12th हाउस में चला गया तो 12th हाउस के मैटर्स से वो डील करेगा एंड UFO एलियंस, 12th हाउस होता है आपका UFO एलियंस, उनमें आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा, उस तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा एंड 12th हाउस आपका ड्रीम्स भी होता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको सपने ज़्यादा ना आए, सपनों की रेमेडीज़ वगैरह कर लेना, केयरफुल रहना अपने ड्रीम्स से कि राहु क्या इल्यूजन आपके लिए क्रिएट करता है इस ट्रांजिट के दौरान, है ना। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप उन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि 12th हाउस राहु ड्रग्स LSD ड्रग्स हेलोसिनेशन है ना एंड लॉजिक नहीं काम करेगा आप लोगों के लिए, एंड इट्स लाइक के आप बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो जाओगे इन सेक्सुअल एक्टिविटीज़। ऐसा भी हो सकता है एरीज असेंडेंट वाले जो लोग हैं वो सोचे कि हम नया बेड खरीद लेते हैं, ठीक है, मैं लॉजिक बात करता हूँ, ठीक है, राहु ट्रांजिट कर रहा है एंड 12th हाउस में अगर राहु जाएगा एरीज वालों के लिए तो क्या क्या आपको वो रिजल्ट्स देगा उसके हिसाब से मैं बात करता हूँ एंड क्या क्या हो सकते हैं वो, ठीक है ना। केतु 6th में आपका, तो इट्स लाइक के यू विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर हेल्थ, ठीक है, एंड जो भी आपके एनिमीज हैं, कॉम्पिटिशन हैं जो आपको अभी डिस्टर्ब कर रहे होंगे, वो केतु क्या करता है, केतु हर चीज़ को दो में कट कर देता है, तो एनिमीज़ आपके कट आउट हो जाएंगे, ठीक है, आप देखना ये बात, 30 अक्टूबर के बाद से एनिमीज़ आपके कटने शुरू हो जाएंगे एंड कोई ना कोई आपके जो अंकल आंटी वगैरह हैं या घर में जो ओल्डर लोग हैं वो स्पिरिचुअल बिलीफ की तरफ ज़्यादा जाने लग जाएंगे, ठीक है, स्पिरिचुअल ट्रिप्स वगैरह वो करेंगे ज़्यादा आपके फैमिली मेम्बर्स। एंड फॉर एरीज असेंडेंट, केतु आपका 6th हाउस में है तो केतु क्या होते हैं आपके, लॉर्ड गणेशा को सिग्निफाई करते हैं, तो आप लॉर्ड गणेशा जी को अगर उनके टेम्पल में आप जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा वो बेनिफिशियल रहेगा इस टाइम पीरियड में एंड आपका अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, पैसे गिनने में, अकाउंट में कितने पैसे हैं कैलकुलेट करने में, वो चीज़ें, ठीक है ना, एंड ज़्यादा आपका फोकस रहेगा लर्निंग थिंग्स विच आर अवे फ्रॉम दी रूल्स ऑफ द सोसाइटी। राहु आपका 12th हाउस में चला गया तो वो चीज़ें UFO एस्ट्रोलॉजी अकल्ट एंड समझ रहे हो ब्रेन में चीज़ें, तो ड्रीम्स भी आपको आ सकती हैं, तो उन चीज़ों का आप ध्यान रखें, ठीक है। नाउ सेकेंड, टॉरस असेंडेंट अगर आपका है तो आपका राहु जाएगा 11th हाउस में, केतु आपका आ जाएगा 5th हाउस में, तो वो चीज़ क्या सिग्निफाई करेगी आपके लिए इन 18 महीनों में, इट्स लाइक राहु 11th हाउस में, 11th हाउस क्या है आपका एक्सपेंशन ऑफ सोशल सर्कल, जो आपका सर्कल है वो एक्सपैंड होगा एंड लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे, उनसे आपको केयरफुल रहना है क्योंकि बेकार लोग भी टकरा सकते हैं सर्कल में, एंड आपकी पर्सनल जो डिज़ायर है, 11th हाउस आपका हो गया होप्स एंड विशेज का, आपकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी एंड ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये भी अपने अंडर करना है वो भी अपने अंडर करना है, ऐसा आपको फीलिंग्स आएंगी एंड वो चीज़ आप नहीं आप कर पाओगे, देन आप एक जो होता है सेल्फ डाउट में चले जाओगे, मेरी कोई गलती तो नहीं है कि मैंने ही कोई गलती करी होगी, शायद मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, क्या पता मुझसे ही कुछ फॉल्ट हो गया हो, ठीक है, ये सारी आपको सिचुएशंस क्रिएट होंगी। केतु आपका चला गया 5th हाउस में, 5th हाउस किसका होता है आपका एजुकेशन का, सो यू विल लर्न एजुकेशन, जो आपने कोई एजुकेशन पास्ट में ब्रोक करी होगी ना कि नहीं कर पाए किसी इन्हीं चीज़ों की वजह से आपकी एजुकेशन अगर छूट गई होगी, केतु आ गया 5th हाउस में, 5th हाउस के आपकी एजुकेशन, तो वो चीज़ आप कंप्लीट कर सकते हो इन द पास्ट एंड एस्ट्रोलॉजी और अकल्ट में आपकी इंटरेस्ट जाएगा केतु की वजह से, ठीक है। देन जो आपके चिल्ड्रन हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे अगर आपके बच्चे हैं तो, ठीक है, स्पोर्ट्स में, रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में,
एजुकेशन में, एजुकेशन से थोड़ा ध्यान हट जाएगा, स्पोर्ट्स और फ्रेंडशिप में थोड़ा ज़्यादा रहेगा बच्चों का ध्यान। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि अगर बच्चे 18 से छोटे हैं तो वो और लोगों से ज़्यादा बात ना करें, डिस्टेंस पे रहें, ठीक है। तो उन चीज़ों का आप ध्यान रखें, अगर ठीक है मरकरी साथ में बैठा हुआ है तो, या आपके बच्चे जो हैं गलत संगति में रिलेशनशिप में भी फंस सकते हैं, ऐसी सिचुएशन भी आपके सामने क्रिएट हो सकती है, ठीक है। अब जेमिनी असेंडेंट वाले जो लोग हैं उनके लिए राहु 10th हाउस में, केतु 4th हाउस में है, तो राहु इन 10th हाउस ऑफ कैरियर। अब वो आपका जो है राइज इन कैरियर सिग्निफाई करता है, एक्सपेंसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे नई चीज़ों को सीख करने के चक्कर में, एंड उन एक्सपेंसेस को बढ़ाओगे आप तो आपकी नई नई जॉब भी है वो भी जो है आपको ज़्यादा पे आउट करेगी, ठीक है। फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ आपको कैरियर रिगार्ड में आएंगी, राहु क्या फॉरेन एलिमेंट कैरियर के घर में बैठा है तो फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ आपकी आएंगी। एंड ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके बॉस हैं सीनियर्स हैं वो फेमस होने लग जाएं आपके वर्क की वजह से ज़्यादा, ठीक है। एंड वर्क प्लेस पे थोड़ा फेम को रिगार्ड में अगर आप रखोगे, अगर आप इंडस्ट्री में हो किसी मीडिया इंडस्ट्री में, तो थोड़ा ध्यान रखना आप, एंड गलत डिसीजन अगर आप लोगे तो पीपल आपकी तरफ पॉइंट करेंगे, इमेज स्पॉइल करने की आपकी कोशिश करेंगे, क्योंकि राहु इज़ अ ठग, एक्सपेंशन देता है वो, देन उसके बाद क्या करता है वो चीज़ आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, समझ रहे हो ना। तो इट्स लाइक, अब कैरियर वाइज काफ़ी अच्छा है जेमिनी के लिए, बट आप एक बात समझना कि पाइसिस में है आपका, पाइसिस जो है 10th हाउस में चला गया, राहु वहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है, तो राहु इज़ लाइक ड्रंक इन पाइसिस, एंड अगर आप रॉन्ग डिसीजंस वगैरह लोगे तो आपकी इमेज को स्पॉइल करेगा, अगर आप एक मीडिया इंडस्ट्री में हो तो आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, सही से अगर आप उसको यूटिलाइज करोगे। एंड बिकॉज मैंने बताया लॉजिक आउट ऑफ द वे चला जाएगा, क्योंकि मरकरी डेविलेटेड हो जाता है पाइसिस में आके ना। देन केतु आपका 4th हाउस में है, 4th हाउस आपका होता है मदर एंड होम, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स मदर, ऐसा भी हो सकता है आप घर में कुछ ना कुछ ब्रेक करवाएं, रीबिल्ड करवाएं, किचन बाथरूम एग्जॉस्ट चेंज करवाएं, एंड फर्नीचर आपका क्लीन कर दें आप घर के अंदर, केतु आ गया ना, क्लटर सारा क्लीन कर दें, सिंपल फर्नीचर आप अपने घर के अंदर ले आओ, ठीक है। ऐसे ऐसे चेंजेस आपके साथ होंगे केतु की वजह से बीइंग इन 4th हाउस फॉर जेमिनी असेंडेंट, ठीक है। नाउ फॉर कैंसर असेंडेंट पीपल, काफ़ी अच्छा टाइम है, ठीक है। राहु ट्रांजिट आपका करेगा, केतु 3rd में चला गया, राहु आपका 9th में चला गया, तो राहु 9th में इट्स लाइक 9th हाउस के बाद आपका हायर नॉलेज, हायर विजडम, ये आपका टाइम है फॉर मीटिंग अ गुरु एंड गॉडली फिगर, देन लॉन्ग टर्म लॉन्ग पिलग्रिमेज, ठीक है, तीर्थ यात्रा एंड इवेंट्स इन पब्लिक जो हैं वो ट्रिगर होंगे, आपने जो भी काम करा होगा ना, चाहे बुक पब्लिश करनी हो, आपको बुक पब्लिश करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, कोई भी आपने काम जो पब्लिश करोगे आप वो एक्सपेंड होगा 9th हाउस में जाके, लक राइज करेगा आपका बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। एंड इट विल स्प्रेड आउट इन अ वास्ट मैनर, कैंसर वाले के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। मैंने कईयों को बोला था कि अक्टूबर आया अंदर जुपिटर ट्रांजिट पर मत फोकस करो, फोकस ऑन कैंसर ट्रांजिट राहु कैंसर वालों के लिए, ठीक है। एंड 3rd हाउस आपका सिबलिंग्स का घर हो गया, तो सिबलिंग्स और सिबलिंग्स हो गया और स्पाउस के हैंड्स हो गए, हैंड्स होते हैं ना स्पाउस के,